हे गाइस आई एम कम बैक टू द पोकेमोन ब्लैक वर्जन। जहां गए थे पिछली बार हम लोगों ने तो हरा दिया था सेकंड मेंबर ऑफ दिस एलिट फोर ग्रिम्सली। तो या आज हम दोस्तों यहां से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं टू चैलेंज दी थर्ड मेंबर ऑफ द एलिट फोर कैटरीन। इसका शायद नाम है, मुझे जितना तक याद है मतलब कि उसको पसंद नहीं आया था जब हमने उसे जगाया था। देखते ही गए सर, मतलब कि आज भी देखो यार, ये आज भी सोई हुई है। कितना सोएगी यार, मतलब कि काम के टाइम भी कोई सोता है क्या? शायद ये सोती होगी इसलिए अभी सो रही है। तो चलो यार, वो उठ चुकी है हमारी जगाने से। सो लेट्स गो। ये रही दोस्तों यार कैटलिन, हमारा स्क्रीनशॉट भी हो गया। तो लेट्स गो, यहाँ पर अभी मैं स्विच कर देता हूँ कैटलिन के खिलाफ अपने लीफी को। यस पता है गाइस यार, मैंने पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच बताया नहीं ना, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच था दोस्तों यार मैक्स। यस कांग्रेचुलेशंस टू हिम। लेट्स गो। हूज़ देयर? हू इज़ ऑन काउच एंड इज़ डिस्टर्ब माय स्लीप। ओके, तो मैं ही था वो। क्या हुआ बट तुझे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इट्स यू अगेन। स्टिल यू पजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ अ काइंडनेस एंड स्ट्रेंथ। यू मेड सिम स्ट्रांग। डू नॉट बी टू बोर विद द नो रिड्यूसिंग बैटल। इज दिस क्लियर? यस दिस इज क्लियर। लेट्स गो गाइस, हियर वी गो। थ्रू द गेम वर्सेस द थर्ड मेंबर ऑफ दिस एलिट फोर कैटलिन। तो या ये गाइस यार, मतलब कि कह सकते हो कि इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गाइस यार हमारे पास मोस्ट स्ट्रांग पोकेमोन है। इनसे पोकेमोन को डाउन करने के लिए लीफी, यस एक्स सीजर जो है वो आज गिरने वाली है ना, जो तो ये लोग बचने नहीं वाले। तो शुरुआत करते हैं गाइस यार एक एक्स सीजर के साथ। एक हल्की सी एक्स सीजर दे दिए मैंने, देखते हैं कितना मुशाना डाउन होती है या नहीं। एंड नहीं यार, थोड़ी सी हल्की पड़ गई। अ वंडरफुल टाइम इज अबाउट टू स्टार्ट। आई लाइक दिस मोमेंट। तो यार ये अटैक जो है अवॉइड कर दिया। तो चलो यार, अभी मुशाना को तो हमने गाइस यार हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन आता है यहाँ पे। हु इज नेक्स्ट? साइलफ। ओके लिफी, तुझे रेस्ट करना चाहिए। यस यू शुड रेस्ट। तो नेक्स्ट अप बैटल के लिए हम लेकर आ जाते हैं गाइस यार जीपी जैप को। तो यस जीपी जैप हमारा इस्तेमाल करेगा यहाँ पे डिस्चार्ज टू डाउन दी साइलफ, क्योंकि यार एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के खिलाफ काम, मतलब कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है वो, तो शायद हमारा दाव अच्छा जाएगा। देखते हैं गाइस यार, अभी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ यहाँ पे डिस्चार्ज का। कितना टाइम लगता है वो भी देखना होगा। एंड यस गाइस यार, डिस्चार्ज तो गिर चुका है। देखते हैं अभी कितना डैमेज होता है। यस यहाँ पर गाइस यार हमने सिगलाइफ को यहाँ पर हमने डाउन कर दिया है। तो देखते हैं गाइस यार अभी नेक्स्ट अप कौन आता है यहाँ पे। उसका थर्ड पोकेमॉन मेटाग्रॉस। ओके, तो पिछली बार के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग बन चुकी है मेटाग्रॉस। आपको तो पता है यार, मेटाग्रॉस के खिलाफ हमारी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी है हमारे लास्ट सीरीज की, जो कि थी हमारी पोकेमॉन अनबाउंड। आपको पता ही होगा हमारा स्टार्टर था यहाँ पे। अभी भी मेरे पास सेव फाइल पड़ी है, मैं जब भी चाहूँ मैं खेल सकता हूँ पोकेमॉन अनबाउंड। बट पोकेमॉन अनबाउंड का नहीं, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट भी आया है पोकेमॉन सोर्स। मैं देखता हूँ इधर वो गेम में भी ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। अभी तक मैं फिक्स नहीं हूँ उस गेम को ट्राई करने के लिए, बट देखते हैं आप लोग क्या कहते हो, वो भी मैटर करता है। ओके, सो नेक्स्ट अप इज़ अ ब्रोजोंग। तो मुझे लगता है गाइस यार यहाँ पर आज के मैच का भी विनर भी गाइस यार यहाँ पर मैक्स ही होने वाला है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि यार उसने दो पोकेमोन को यहाँ पर चुटकियों में यहाँ पर डाउन कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर अभी। ओके, मैक्स ने डाउन करने ही वाला था, मैक्स को ये डाउन ही करने वाला था गाइस यार यहाँ पर। बट थोड़ी सी यहाँ पर हमारी फॉर्चुनेट की वजह से गाइजर हम बच गए। तो लेट्स यूज दी फ्लेम थ्रोवर अगेन। यार 3 HP पर हमारा मैक्स स्टिल है एंड उसने हमारे उसके ब्रोजों को भी यहाँ पर डाउन कर दिया है। एंड मैक्स जा चुका है यहाँ से लेवल 74 पे। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन आता है, रेनिकुलस। हाँ, तो शायद आज भी दोस्तों यार दो यहाँ पे जा सकते हैं, बट देखते हैं रेनिकुलस। ओ ये रेनिकुलस क्या यार, मैं इसके बारे में हर वक्त भूल जाता हूँ यार। प्लीज़ माफ़ कर देना यार, मैंने पिछली बार भी भूला था एंड इस बार भी भूला हूँ वरना। ओके, तो ये थंडर कुछ अलग सा था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल की। हाँ, अगर कह सकते हो गाइस यार यहाँ पर लिफी को भी मुझे क्रेडिट देना चाहिए, बट नहीं यार आज का मैन ऑफ द मैच भी गाइस यार शायद मैक्स ही चले जाए, क्योंकि अभी देखते हैं कितने पोकेमॉन बचे हैं। हाँ, लास्ट पोकेमॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गाइस यार लास्ट पोकेमॉन वन हिट में ही अगर हमारे दोस्तों लिफी ने डाउन कर दिया ना, सो शी विल बी द विनर मैन ऑफ द मैच, क्योंकि यार उसने शायद लगभग मैक्स के पहले ही अगर देखा जाए ना तो मैक्स के मतलब कि कह सकता हूँ, मेरे मुँह में शब्द नहीं आ रहे वो। हाँ, अगर कहूँ ना गाइस यार मैक्स के कंपेयर किया जाए ना, तो उसने जल्दी पोकेमॉन को डाउन किया है वो जो दो पोकेमॉन्स थे। ओके, गोटी थेल। यस फर्स्ट नंबर पे अभी इस मैच के लिए रख रहा होगा इधर मैक्स को।
क्योंकि यार वो हमारा फेवरेट पोकेमोन है, लिफी भी हमारी फेवरेट है, बट यार थोड़ा सा गाइज़र अभी हम मैक्स को थोड़ी सी बढ़ोतरी दे देते हैं। ओके तो यार देखते अभी ये क्या कहती है। I will stay cool and collected even though this isn't going well. Yes, को पता है गाइज़र ये उसके खिलाफ जा रहा है, but yeah, we are going to win the battle and win the league. So we are going to be champion of this region. क्योंकि यार हमने जो कुछ भी था वो सब किया है इस लीग में। हमने गाइज़र टीम एन को भी दोस्तों हराया, हमने दोस्तों यार मतलब कि एलिट फोर को भी सेकंड टाइम हरा रहे हैं। And you have always seen, or even more than ever, you are an elegant and excellent trainer. Your Pokemon have class. I'm very pleased to have attached to battle you. 8760 में अर्निंग हुई यहाँ पे। Alas, even with the knowledge and skill passed down in my family or for trainers, I still can't win. The reason I came here in the first place was the encounter trainers like you. सो यस गाइज़र आज के वाले वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है गाइज़र आपको यह एपिसोड पसंद आया हो। आई होप अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना, एंड मैं गाइज़र आपसे मिलता हूँ पोकेमॉन ब्लैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।